हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप सबको कुछ क्लिप्स दिखाने जा रहा हूँ जो कि 1990 के बाद के हैं, जब हमारे पंडित भाई यहाँ से गए थे। दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। कश्मीरी का खून इतना गंदा है, वो किसी कश्मीरी पंडित को जबरदस्ती करेंगे, ये हो ही नहीं सकता। आयरॉनिकली The Hindus did not want to leave, but left. The nation did not want the exodus to happen, but couldn't prevent it. And even the Muslim fundamentalists tried to stop the Hindus from vacating the valley, but couldn't succeed. They wanted the Hindus to stay back because they feared the administration had tipped off the Hindus to sneak out so that a massive crackdown became possible. दोस्तों, अगर आपने इस फिल्म का ट्रेलर देखा होगा तो वहाँ इन्होंने दिखाया है कि कश्मीरी पंडित बहनों के साथ कितना जुल्म किया करते थे। लेकिन दोस्तों, आप आगे के इंटरव्यूज देख लीजिए और अपनी राय मेरे साथ शेयर करिए। कश्मीरी पंडित गर्ल्स हैव बीन स्पेशल टारगेट्स ऑफ वर्बल हैरेसमेंट इन द वैली, ऑल्दो स्टोरीज ऑफ देयर फ्रीक्वेंट मोलेस्टेशन आर हाईली एग्जैजरेटेड। मुसलमानों का हिंदू लड़कियों की तरफ कैसा सलूक था? अच्छे अच्छे सलूक। कोई बुरा सलूक नहीं किया? नहीं। कोई बात उन्होंने कही हो जो बुरी लगी हो? नहीं। कुछ बुजुर्ग ये कहते हैं कि लड़कियों के साथ बुरा सलूक करते हैं, और ये कहते हैं कि हम लड़कियों को रख लेंगे यहाँ पे और पंडित लोग चले जाओ, लड़कियाँ छोड़ जाओ, अपने यहाँ पाकिस्तान बनाएंगे। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ, अभी तक ऐसा कोई बुरा सलूक नहीं हुआ, यानी वो लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं, कोई सच, कोई बात सच होगी, कोई बात झूठ होगी। क्यों जलाया? ये भी मैं आपको बताऊं। ये एक कोइंसिडेंस है कि मंदिर की इमारत में ही इंटेलिजेंस ब्यूरो के आदमी रहते थे, तो एक्चुअली निशाना उनका वो था। वही था। तो जो आग कहीं पे लगती है, जो कुछ भी आसपास हो, सब लपेट में आ ही जाता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।